कुछ पॉलिसियों में यदि बदलाव हो जाए तो किसान तत्पर है, तैयार है और चाहता है कि मेरा देश स्वस्थ रहे। उसमें कुछ विशेष पॉलिसियों का जिक्र भी रहा कि पर्यावरण के मुद्दे पे जितना सरकार खर्च कर रही है यदि वो किसान तक चला जाए, दूसरे उर्वरकों पर जो सब्सिडी दी जा रही है कम से कम वो इंसेंटिव किसान तक पहुंच जाए, हरियाणा सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत एक स्कीम है उस स्कीम में सीधे सीधे यदि हम मिल्स को लेके आ जाए, तो इस तरह की कुछ योजनाओं की तरफ सभी किसानों का ध्यान था कि वो सरकार कुछ पहलकदमी उठा दे और मंडी का सपोर्ट किसान को मिल जाए तो किसान तैयार है। जो जो बाध्यताएं अभी तक आई हुई हैं किसान, वो हमारे बुजुर्गों की तकनीक थी उसको भूल चुका है। आज किसान को कुछ बातें याद दिलानी चाहिए कि बीज के साइज ही तय करते हैं कि वो कितनी मिट्टी से निकल पाएगा, तो उसके हिसाब से उनको कितनी गहराई में उसको बीजना है और कितनी मात्रा में बीज चाहिएगा, कितनी नमी उसको चाहिए, इस तरह की छोटी छोटी जानकारियां किसान तक पहुंच जाए तो किसान मिल्स उगाने के लिए तत्पर है। तो ये खेती विरासत मिशन काफ़ी समय से ही इस तरह के प्रयास कर रहा है और हम भी मिलके उनके साथ में किसानों तक कुछ अनुभव जो हमने पहले भी लिए हैं वो भी हमने इस चौपाल में शेयर किए। जैसे किसान की इकोनॉमी इसके साथ नहीं बैठती क्योंकि 8 क्विंटल के आसपास हरियाणा पंजाब का किसान मिल्स ले पा रहा है और मिल्स की बिक्री का जो अभी तक का रेट है वो 30 रुपये के आसपास है, तो 24,000 रुपये यदि किसान को बिक्री के बाद मिले तो उसके खर्च काट के उसकी जेब में दूसरी किसी भी फसल की इकोनॉमिक्स के साथ वो बैठती नहीं है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हैं। रेट भी हम ये नहीं कह सकते कि उसको रेट बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, तो 8 क्विंटल को कितनी लंबी दूरी तक रेट तक लेके जाएं ताकि किसान उसके साथ मुकाबला कर सके। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो पहले भी मैंने जिक्र किया है कि हमारी जो उर्वरकों पे सब्सिडी है वो सीधी सीधी दी जाए, मेरा पानी मेरी विरासत में 7,000 रुपये जो सरकार दे रही है वो सीधा सीधा किसान को मिल जाए तो उसकी वो भरपाई वहाँ से हो जाए और उसे आगे बढ़ सके। एक छोटा सा तरीका जो मैंने हरियाणा में लागू करके देखा था वो दूसरे साथियों तक भी मैंने शेयर किया कि हमने इसको पशु चारे के रूप में किसानों तक बीजने की एक सलाह दी, उससे किसानों ने उसको बीजा और बीजने के बाद ऐसे उत्साहित हुए कि मेरे अकेले गांव में 100 एकड़ के आसपास अब की बार मिल्स बीजे जाने हैं। तो उसे क्या होता है, एक तो उसको लॉस का डर नहीं है क्योंकि पशु चारे के लिए उसको हरी घास की जरूरत होती है, हरी घास इसमें बहुत अच्छी पैदा होती है और इसमें न्यूट्रेंट भी है पशुओं के लिए भी, वो उसमें जो हम मिनरल मिक्सचर वगैरह देते हैं उसकी भी फिर उसमें जरूरत नहीं रहती। तो उससे उसको फायदा क्या होगा, उसको ये पता चल जाएगा कितने बीज की यहाँ पे जरूरत है, उसने ज्यादा बीज गलती से डल गया तो उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला उसको, और यदि कम डल गया तो उसमें भी दूसरी घासें उसको रिप्लेस कर लेंगे, उसको जो पाउडर चाहिए वो उतने का उतना उसको मिल जाएगा और उस किसान को ये जानकारी हो जाएगी कि कितनी बीज की मेरे को अगले साल उत्पादन के लिए जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह की प्रैक्टिसों का वहाँ पे जिक्र चला। एक बीज पे काफ़ी चर्चा हुई, बीज कैसे संभाले जा सकते हैं और इसके बीज कैसे कहाँ से किन को की जिम्मेवारी बनती है जो किसानों तक पहुँचा दे, और यदि इसमें फोर्टिफिकेशन वगैरह की जो साइंटिस्टों की तरफ से सिफारिश आ रही है तो वो हो तो इसके गुणवत्ता पे कोई असर पड़ेगा या उत्पादन पे कोई असर पड़ेगा, इस तरह की सभी जानकारियों के माध्यम से ये निकल के आया इस बीज के साथ हमारे को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यदि प्रकृति उसमें कोई बदलाव चाहती है, कई बार एक बीज को हम दूसरे क्षेत्र में बीजते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली कुछ बदलाव आ जाता है, तो उस बदलाव के लिए हमारे को भी तैयार रहना चाहिए और हमने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मानव द्वारा उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार के बदलाव को हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि पोषणता के लिए हम इसको खा रहे हैं, उगा रहे हैं और वही नहीं रहा तो फिर इसके आगे बढ़ने का किसानों के कंधों पे जो हम बोझ डाल रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो सिंचाई वगैरह की व्यवस्थाओं के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई, मंडीकरण की भी काफ़ी चर्चा हुई, फिर आगे इसको प्रोसेस करने के जो संसाधन है हमारे पास में
किसान के पास सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है। एक तो मैन पावर आज खेती क्षेत्र में बहुत घट गई है, और उस मैन पावर के घटने के कारण जिस भी फसल में आदमियों की ज्यादा जरूरत पड़ती है उस फसल से ही किसान भागता है। तो इसमें कुछ मशीनें जरूरत है अभी भी, जैसे पक गया, पकने के बाद भी थ्रेसिंग के लिए भी मशीनें नहीं है, किसान अपने जुगाड़ों से इसको निकाल रहे हैं। कुछ गाही करके करते हैं, कुछ कुटाई करके करते हैं, तो कुछ अपनी पुरानी मशीनों के में छोटा मोटा बदलाव करके। यदि इसका व्यापक लेवल पे जब खेती होनी शुरू हो जाएगी तो फिर वो मशीनरी का भी प्रबंध किसान अपने आप से कर पाएगा। अभी तक छोटे लेवल पे किसी ने दो कनाल उगाया तो वो किस तरह की मशीन उसे खरीदे, इस तरह की प्रॉब्लम है। दूसरा, किसान, मैंने पिछले प्रोजेक्ट में नरवाना के आसपास में 10 गांव में मिल्स उगवाए किसानों से, और जब उन्होंने प्रोसेस कराने की जरूरत पड़ी, इसका छिलका उतारने की जरूरत पड़ी, तो हमारे को पंजाब की जैतो वाली मशीन ही नजर आई, उसके आसपास हमारे को कोई मशीन नहीं नजर आई। ये बात अलग है कि उन किसानों ने किसी ने भी उसको प्रोसेस नहीं कराना चाहा, नहीं ही उसको बेचना चाहा। उन्होंने कहा कि हमने उगा के देख लिया है, इसी को हम आगे बीज के रूप में प्रयोग करेंगे और दूसरे किसानों को भी ये अनुभव के तौर पे उगाने के लिए इस बीज को हम आगे देंगे। तो जब उनको प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी तो उन मशीनों का भी अभाव है। हालांकि कुछ सुझाव दिए, दिग्विजय गुरु जी हमारे साथ थे, उन्होंने, उनका काफ़ी लंबा चौड़ा उसमें अनुभव है, उन्होंने छोटे लेवल पे हम पॉलिश करने वाले, जिसमें चावल में पॉलिश होती है, इस तरह की मशीनों का भी हम सहारा ले सकते हैं, इस तरह की बातें भी वहाँ पे खुल के चर्चा में आई और वो किसानों के समाधान की तरफ वो बातें निकल के आई हैं। तो लास्ट में पॉलिसियों पे जिक्र आया था, क्योंकि सरकार ने उत्साह के साथ में इसको वर्ल्ड लेवल पे मिल्ट्री एयर घोषित कराया है, और उम्मीद भी थी कि सरकार कुछ ऐसे स्टेप उठाएंगी कि इसका प्रमोशन हो पाएगा, लेकिन उन्होंने कोशिश भी की है, अपना बजट भी खर्च किया है, लेकिन किसानों तक वो लाभ नहीं पहुंच पाया। जिन किसानों ने इसको उगाना था, जो छोटे लेवल के किसान थे, वो उनके टच तक नहीं पहुंच पाए। तो ये संस्था किसानों के बीच में काम करने वाली संस्था है, इसके माध्यम से अब वहाँ तक बात पहुँची है, और यदि वो स्कीमें जो मैंने बीच में सुझाई हैं, सरकार उन स्कीमों की तरफ हमारा ध्यान दे दे, इतनी सपोर्ट किसान की कर दे, तो मिल्स उगाने हमारे इस क्षेत्र के लिए भी अनुकूल हो जाएंगे, किसानों की जेब के अनुकूल हो जाएंगे, और किसान उगाना चाहता है और उगा के खेत दुनिया का पेट भरना चाहता है, भर देगा। धन्यवाद देंगे। हमारे साथ इस आयोजन में एक सह आयोजक और एक बड़े प्रायोजक भी, SGT यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार जी को निवेदन करूंगा। अशोक जी डीन एग्रीकल्चर हैं यूनिवर्सिटी के, और मैं अगर कहूं को खेती विरासत मिशन का अगर SGT में कोई कार्य करता है तो वो अशोक कुमार जी हैं। मतलब कभी भी इनको हम तंग करते हैं कैसे भी, और हमेशा सकारात्मक इनका रुख रहता है, तो अशोक जी को निवेदन करूंगा। अशोक जी, अब SGT यूनिवर्सिटी यहाँ से क्या लेके जा रही है, भविष्य का क्या रास्ता होगा, थोड़ा, और इनके बाद जरा संजय स्वामी जी तैयार हैं थोड़ा हम आगे के लिए मार्गदर्शन के लिए। डॉक्टर अशोक कुमार। धन्यवाद ओमेंद्र जी, आदरणीय ओमेंद्र जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृषि खेती विरासत मिशन सिरोही सर, डॉक्टर आर्य, और अभी हमारे बीच उपस्थित हुए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के चेयरमैन सर, आदरणीय और सम्मानित मंच साथीगण, नीचे भी बहुत सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं खेती विरासत मिशन का, ओमेंद्र जी का धन्यवाद करूंगा कि SGT यूनिवर्सिटी को एक प्रायोजक के रूप में आपने स्वीकार किया। मैं अपनी मैनेजमेंट की तरफ से और स्पेशली हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी सरदार मनमोहन सिंह चावला जी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि SGT इस कार्यक्रम में सम्मिलित रही। तो मैं, क्योंकि जैसे आपने बताया, एग्रीकल्चर का डीन भी हूँ, तो ज़्यादा मैं, हम ऑर्गेनाइज करने में लगे रहे, तो मेरा ऐसा विचार है कि हमने सारे, सरकार ने भी और हम लोगों ने भी मिलेट्स को सभी जगह फैला दिया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी मिलेट्स का जिक्र हो गया। तो अब हमें ये बीज हैं जो इनके,
इनको आईपीआर इनको हमने रजिस्टर करवाना है, ताकि अन्यथा जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो सब अब आपके हाइब्रिड बना के अब बाजार में आ जाएंगी। आप प्रमोशन कर रहे हो, आप सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन वो फिर बाजार में आ जाएंगी वो हाइब्रिड वगैरह, और हम फिर पीछे चले जाएंगे जैसे पहले चले गए। तो सबसे पहला तो ये है। दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, तीन कैजुअल्टी हैं हमारी जो गेहूं और राइस वाले फूड सिस्टम में रही, वो सबसे पहला कैल्शियम रहा, दूसरा हमारा आयरन रहा, और तीसरा जिंक रहा। कैल्शियम से हड्डियों का, हड्डियों के रोग सब लोगों के होने लग गए। दूसरा हमारा जो आयरन है हीमोग्लोबिन का, वो सब में रहा, और जिंक इम्यूनिटी। तो ये तीनों कैजुअल्टी रही। और पीछे के जैसे आज दिन में भी रेड्डू साहब भी जिक्र कर रहे थे, और शायद विनीत जी ने भी जिक्र किया था कि पेपर्स में आप देखोगे जो रिसर्च के आर्टिकल हैं, तो जो पुरानी वैरायटीज़ थी किस्में थी उनमें प्रोटीन मिनरल सभी चीज़ें ज़्यादा थी। आप 60 के दशक से और आज तक आओगे ना, तो गेहूं और चावल में भी प्रोटीन की मात्रा मिनरल की मात्रा सभी मात्राएं कम हो रही है। तो ये है कि हम अपनी पुरानी जो किस्में हैं उनको हमने छोड़ दिया, और हम नए हाइब्रिडर उनकी तरफ आ गए, और हमने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा। तो हमारे फूड सिक्योरिटी सिस्टम में अब न्यूट्रिशन का इश्यू है, वो बहुत ज़रूरी है, सरकार वो रखे। और SGT जो भी आपके प्रोग्राम होंगे हम आपको फुल सपोर्ट करते रहेंगे, और इसी के लिए मैं आपका दोबारा एक बार धन्यवादी हूँ, और सभी साथियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि SGT को ये मौका दिया। धन्यवाद सर। अशोक जी, और जो बात आई है ना अशोक जी कि स्वास्थ्य, आपके वहाँ मेडिकल कॉलेज भी, आयुर्वेदिक कॉलेज भी, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट भी है, आपका एग्रीकल्चर कॉलेज भी है, तो हम विद्यार्थियों के बीच इस बात को कैसे लगाएं, और ये उसमें भी कैसे इनकॉर्पोरेट हो हेल्थ के पूरे चिंतन में, उसकी बात करनी पड़ेगी। ये एक बड़ा मुद्दा है। मैं हमारे एक और सहयोगी इस कार्यक्रम के जो सहयोगी संस्थान है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, संजय स्वामी जी को निवेदन करूंगा। संजय जी, भविष्य का रास्ता क्या, ये दिल्ली में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम हुआ है। दिल्ली में मिलेट के प्रोग्राम हुए हैं संजय जी, पर वो हुए हैं 5-स्टार होटल्स में। कल परसों भी दो दिन को, एक परसों और चौथ, दो दिन एक मिलेट के प्रोग्राम थे जो उसमें थे, किसी एक 5-स्टार होटल में थे। निवेदिता जी ध्यान होगा आपको शायद, हैं, हाँ, तो मतलब इस प्रकार के जगह थे। लेकिन जनता की, आम जन की भागीदारी, आम किसान की भागीदारी, और मिलेट खाने खाने की बड़ी बात हो रही है। वो जो द्विजी गुरु कहते हैं ना कि मैं जो करूँगा उसका लाभ कंपनियों को होगा या किसानों को होगा, मेरे देशवासियों को होगा। उस दृष्टि से हमने इस कार्यक्रम की योजना की कि इस कार्यक्रम का लाभ, इस मिलेट आंदोलन का लाभ किसान को होना चाहिए, इस मिलेट आंदोलन का लाभ आम आदमी को होना चाहिए। तो उसी दृष्टि से ये इस कार्यक्रम की रचना की। तो मैं अब निवेदन करूँगा संजय स्वामी जी को। संजय जी, भविष्य का मार्ग क्या हो सकता है, आगे कैसे बढ़ना है समाज, ये जो द्विजी गुरु जी ने हमारे को थोड़ा ठीक किया, कम्युनिटी सपोर्टेड कम्युनिटी ओरिएंटेड मिलेट मूवमेंट, वो आगे हम कैसे बढ़ाएं। संजय स्वामी जी। सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख उपस्थित देश भर से पधारे खेती हरियाली पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति सजग प्रहरी बंधु भगिनी और कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, विद्यार्थियों, कल मैंने जिक्र किया था कि कैसे, कल डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, रामबाबू जी ने भी कहा कि एक बीज है इतना विशाल वटवृक्ष बन जाता है। तो ऐसे ही उमेंद्र जी ने मुझे फ़ोन किया, तुमसे मिलना है, तो मैंने कहा आ जाओ, तुम्हारे घर आना है, मैंने घर के पास ही हूँ। तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं लक्ष्य लगे हुए थे, उनके विद्यालय में था, तो वहीं बातचीत हुई, और वहाँ से ही एक स्कूल में एक कार्यक्रम करें बच्चों के लिए मिलेट पे, फिर दो दिन का करें टीचर्स के लिए, फिर तीन दिन का करें अभिभावकों के लिए। तो करते करते इतना बड़ा समागम बन गया और आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। मैं लगातार संस्थाओं में जुड़ा रहा, तो मैं उमेंद्र जी, हम बहुत पुराने साथी हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा था करते क्या उमेंद्र जी।
किसान परिवार से तो, परंतु मैं शिक्षक हूँ, पिताजी शिक्षक है, बाकी सब चाचा गांव में खेती करते हैं। मैं गांव जाता रहता हूँ, पिताजी कम जाते हैं। पिताजी आज यहाँ आए थे पूरे दिन, पर गांव कम जाते हैं तो मैं ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि डांट देते हैं, बड़े हैं ना घर में सबसे चाचाओं को। तो आज सबसे बड़ी समस्या विश्वास की हो रही है, विश्वास खत्म हो रहा है परिवार में भी। भाई को भाई पर विश्वास नहीं है, मनवीर जी बैठे हैं, गाँव की समस्याएँ इतनी हैं। शहर का आदमी गाँव में जाने से डरता है। अभी नरेश सिरोही जी बात कर रहे थे कि हम गांव में जाएं, उन्होंने एग्रो क्या टूरिज्म नाम दिया शायद, कि गांव से कुछ लोग शहर से जाएं, वहां गांव में रहें, घूमें, खाएं वहां का अनाज, ऐसे आएं। कुछ इस तरह के रिसोर्ट्स गुजरात में बनाए हैं कुछ युवाओं ने ऐसे। तो गांव में जाते हुए डर लगता है। और हम अब तो समय बदला है, सरकार ऐसी आई है कि हम भी रात को 12 बजे गांव जा सकते हैं, नहीं तो 50 किलोमीटर हमारा गांव है, पर 5 दिन छिपने पे नरेश जी मालूम है हमारे मेरठ में कपड़े उतरवा लेते थे, इस तरह के चोर उचक्के होते थे। तो वो था, तो डर लगता है शहर के लोगों को गांव में जाते हुए। तो वातावरण बदला है, ऐसे एक नया भविष्य हमको दिखाई देता है। जो मैंने विश्वास की बात कही कि बाजार में बहुत कुछ बिक रहा है, आप सब उस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक के नाम पर, वो है या नहीं है ये कैसे कसें, किस किस कसौटी पर कसें? तो केवल विश्वास है कि जो लोग खेती मिशन से जुड़े हैं या जो यहाँ इन संस्थाओं में जो आई हुई हैं, कि निश्चित रूप से वो प्रयास करते होंगे कि 100% हम जो कह रहे हैं वो दें। इस विश्वास की आवश्यकता समाज को है। आज बाजार में, मैं शहर में रहता हूँ, ग्राहक शहर का या गांव का, गांव का तो सीधा साधा आदमी, किसान जाएगा, भैया क्या भाव तेने दिया, उसकी जेब में पैसे होंगे दे देगा, नहीं तो चला आएगा। शहर में आदमी पूछता सेब क्या भाव, 150 रुपये किलो दे। मैं दुकानदार को बोलता हूँ, भाई तू 150 एक किलो में 900 ग्राम क्यों दे रहा है, या पीछे तैने खराब रखा वो क्यों दे रहा है? तो वो विश्वास खत्म होता जा रहा है। तो आज लोगों के पास पैसा भी है, हर एक व्यक्ति की भारत में परचेजिंग पावर बढ़ी है, पर उसको शुद्ध चीज़ें नहीं मिल पा रही। तेल के नाम पर क्या मिल रहा है, कल राम बाबू जी ने बहुत सारी बातें बताई, वो तेल पी जाते हैं। मैं सुन रहा था कल आपकी चर्चा रात को, आप तेल पी जाते हो, पर घर का निकला तेल आपके सामने होगा। पहली बार मैंने प्रयास किया जब मुझे दुकानदार ने बताई कोई तेल असली नहीं है, तब मैंने एक कोलू ढूंढा और अपनी आंखों के सामने तेल निकलवाया उससे, तो देखा कि 5 घंटे मुझे भी बैठना पड़ा कि एक्चुअल में कितने प्रोसेस से वो तेल धीरे धीरे निकलता है, पर वो 100% शुद्ध मेरी आंखों के सामने निकला। मैंने वहीं से दाना खरीद के तेल निकलवाया। तो उस शुद्धता की लोगों को आवश्यकता है कि हमने बाजरा देख रहे हैं, ज्वार देख रहे हैं, रागी देख रहे हैं, और जो कुल मिला के नरेश जी कह रहे थे कि कितने हमने जीव जमीन के समाप्त कर दिए, तो उस विश्वास की आवश्यकता है। आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, दुनिया में अभी अमित शाह जी ने कहा कि दुनिया में नंबर 1 है हम स्टार्टअप में, और आज इतनी तेजी से हमारी GDP बढ़ रही है, वो कारण यही है कि हमारे युवा नए नए स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं। केवल दिशा देने की आवश्यकता है। इस 2 दिन के छोटे से मेले में ही 100 स्कूलों का पार्टिसिपेशन हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा। 1300 बच्चे कल आए, 700 बच्चे आज आए। अभी भी देखो कुछ बच्चे मेरे विद्यालय के बच्चे बैठे हैं, फ़ोन करते करते अब पहुँचे, इनका प्रैक्टिकल था, एग्ज़ाम था, और सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म में नहीं आ सकते, तो बच्चे जो है अब पहुँचे हैं यहाँ 2:30 बजे एग्ज़ाम दे के। तो ऐसे बच्चों के मन में है जानने की इच्छा, युवाओं के मन में है। और आज विद्यार्थी नौकरी ढूंढता फिरता है, गाँव का है, शहर का, हम उसको हर प्रकार का रोजगार दे सकते हैं। आप ये देखिए, गांव में 30-40 रुपए किलो बाजरा जो तैयार हो जाता है आप तैयार करते हैं, और यहाँ 170-180 रुपए बिक रहा है, ठीक है ना? तो कितना बड़ा एक अंतर है उस, तो इसलिए रोजगार के सैकड़ों अवसर है। हम भी कई बार सेमिनार में जाते हैं एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के बीच में, तो ऐसे इन्हीं बच्चों ने जो एकदम पब्लिक स्कूल के बच्चे, और जी अनिता जी समापन सत्र चल रहा है, आ जाओ, ठीक, अभी भी देख लो, आज वो मैथ गणित दिवस था ना उसके देर। तो यहाँ स्कूल के बच्चों ने जो कह रहे थे अभी उमेंद्र जी कैसे आगे मिशन जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 6-7 प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए रखी थी, बच्चों थीम मिलिट्री थी उनके लिए, तो ऐसे उन्होंने पेंटिंग बनाई यहाँ पे बच्चों ने, जो निबंध प्रतियोगिता हुई वो भी यही था, डिक्लेमेशन यही था, एसे राइटिंग यही था, ठीक है जी, और पेपर प्रेजेंटेशन बच्चों ने किया, स्कूल के बच्चों ने,
यूनिवर्सिटी में तो हम जानते हैं डॉक्टर साहब हमारे बैठे हैं, वहां तो बच्चे रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करते हैं, पर यहाँ बच्चों ने रिसर्च पेपर तैयार किए, तो क्रिएटिविटी उनके टीचर्स ने, हम लोगों ने स्कूल मैनेजमेंट को दी, मैनेजमेंट ने टीचर्स को दी, तो उन्होंने ये इनोवेटिव आइडिया बच्चों के बीच में रखे और बच्चों ने छोटे छोटे वीडियो बनाए एक दो दो मिनट के मिलेट के ऊपर, वो यहाँ दिए। और आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ना मिलेट के व्यंजन रखे हुए थे, तो हो सकता है कि उन्होंने 10-20% काम किया, परंतु उनकी थिंकिंग शुरू हुई, किसी टीचर ने किसी पेरेंट्स ने गाइड किया, तो 8-10 प्रकार के व्यंजन उन्होंने बनाए हुए थे, तो बच्चों की रुचि जागृत हुई है। इसी प्रकार से जो हमारे अलग अलग क्षेत्र से महाराज आए हुए हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अभी भी, वो बहन जी हम आ रहे थे, होमेंद्र जी बोले अभी हमारी क्लास है, तो बताया भी था उन्होंने, तो कैसे बच्चों के अनुसार हम व्यंजन बना सकते हैं इनके, तो ये सब उन्होंने बताया है। तो एक बहुत बड़ा भविष्य हमारे प्रधानमंत्री जी को विजन किसानों ने, समाज के लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने दिया, उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित कराया है, तो और हम लोग उस आयोजन में उसको, उस महाअभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे दूर दूर से जो हमारे बंधु आए हैं, निश्चित रूप से इस समागम, ये अपने आप में, मैं कह रहा था अमित जी को कि आप इसको मेला रहने दो, मेला जिसके जो आनंद आए करे, कोई खा रहा है, कोई सेमिनार कर रहा है, कोई भोजन सीख रहा है, कोई बना रहा है, तो ऐसे एक अलग आनंद इसका लिया है। और ये स्थान इतना सुगम हमको मिल गया था कि यहाँ वैसे भी पब्लिक के लोग आते रहते हैं, बहुत सारे लोग, और यहाँ गुरु का लंगर चल ही रहा है, आओ प्रसाद चखो और करो, तो एक बहुत बड़ा भविष्य इसका है। और ये श्रृंखला हमारी चलती रहे, विद्वानों की, किसानों की, खेती के क्षेत्र में काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं की, और शैक्षिक संस्थाओं, विद्यालयों, विद्यार्थियों की, तो ऐसे ही संस्था हमारी चलती रहेंगी, तो एक बड़ा आंदोलन ये बन जाएगा धीरे धीरे। हम दो प्रयास करते रहें, जो खेती पे मजदूरी कर रहा है किसान, जो मेहनत कर रहा है, उसको उसका मूल्य मिले, और जो आम आदमी है उसकी पहुंच तक, उसकी जेब तक मिलेट पहुंचे। 170-180 रुपये किलो खरीदने की आम आदमी की ताकत नहीं है। हमने आज शर्मा शर्मी ले लिया एक आध पैकेट, बात अलग है, मैं दिल की बात बोलता हूँ, आम आदमी हूँ, मेरे बस की 180 रुपये खरीदना नहीं, मेरी गली में 50 रुपये किलो मिलता है ज्वार बाजरा, ठीक है जी। तो उस किसान के द्वारा प्रोडक्ट कैसे सीधे पहुँचे, और हमारे युवा जो कुछ नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो 10-20 रुपये लागत पे उसको वहाँ तक कैसे पहुँचा सकें। आज जितनी बड़ी बड़ी फूड चेन आ गई, या स्विगी और जितने बड़े बड़े खुल रहे हैं, मैं देखता हूँ मेरे, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं वहाँ, वो भी करते हैं सर, 2 घंटे काम करके आते हैं, 400-500 रुपये कमा लेते हैं, हमारी फीस का खर्चा हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, 30-40 रुपये उनको पर विजिट वो देते हैं, तो डायरेक्ट अप्रोच कर रही हैं, और उनका करोड़ों का टर्नओवर हो गया, नए नए लोगों का स्टार्टअप जो हो गया है। तो ऐसे स्टार्टअप भी हमें से शुरू कर सकते हैं, तो वो हमको शुरू करने चाहिए, युवाओं को देने चाहिए। गाँव के अंदर ही गाजर पैदा होती है, वहीं मुरब्बा बन जाए, वहीं अचार बन जाए, ना बिजली की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है। तो ये सारा व्यवसाय हमारे पानी को बिस्लरी ने लेके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 280 अरब का बिजनेस केवल पानी का है, और कोई कंपनी, आप साइंटिस्ट बैठे हैं, मैं बहुत सेमिनार में बोलता हूँ, कोई ऐसा साइंटिस्ट मुझे बता दे, कोई ऐसी लेबोरेटरी जिससे 10-5 ग्राम पानी बनाया हो, सब हमारा जमीन का पानी या नदियों का पानी, और 280-290 करोड़ का बिजनेस, अरब का बिजनेस ये कंपनियाँ कर रही हैं। तो किस प्रकार से जमीन को हमने कमजोर कर दिया है, उस जमीन की ताकत आप जैसे जो किसान बंधु बैठे हैं वो बना रहे हैं, वो माँ जो है सदा उर्वरा रहेगी, तो हमको सदा अच्छा अनाज देगी, अच्छा भोजन देगी, अच्छी ऊर्जा देगी, हमारे पशु जो हैं वो भी अच्छा चारा खाएंगे तो अच्छा दूध देंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा एक आयोजन यहाँ रहा है। जिन जिन ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यहाँ सहयोग किया है, उन सबका भी हम आभारी हैं। हम दो ही लोग चले थे, उमेंद्र जी और हम, और कारवा बनता गया, इतनी बड़ी टीम खड़ी हो गई। निश्चित रूप से ये शुरुआत जो दिल्ली में इस पवित्र स्थान से हुई, यमुना किनारे हम लोग बैठे हैं, प्रकृति के तट पे बैठे हुए हैं, ये जो गूंज है देश के कोने कोने में जाएगी। हम लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, जो भी हमसे सहयोग होगा हम लोग यहाँ करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। संजय जी, बात यह है कि अब ये जो कार्यक्रम यहाँ हुआ, तो हम बड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं, छोटे छोटे कार्यक्रमों की श्रृंखला हम करते रहेंगे। डॉक्टर साहब ये बाद में कर लीजिएगा ना, ओ डॉक्टर साहब ये बाद में यही है, कहीं नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे कार्यक्रमों की श्रृंखला, दिल्ली में छोटे छोटे मिलेट फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल होने चाहिए। मथुरा जी हमारे सामने बैठे हैं, तो अच्छा दिल्ली में दिल्ली वाला और कौन बैठा है यहाँ, थोड़ा हाथ खड़ा करेगा, कुछ और लोग भी हैं।
तो दिल्ली में छोटे छोटे फूड फेस्टिवल, मिलेट फूड फेस्टिवल, जो कॉलोनीज हैं, क्या आप कहते हैं उनको, सोसाइटीज़ कहते हैं, अपार्टमेंट्स कहते हैं, वहाँ हों, एक, स्कूलों की कुछ प्रतियोगिताएँ हों, दो। संजय जी आप आ जाइए, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है, ये अपनी बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस पूरे विषय में मुझे लगता है संजय जी, छोटे छोटे स्कूलों में छोटी छोटी प्रतियोगिताएँ हों, बड़े आयोजन के लिए बहुत बड़ा बजट बजट चाहिए होता है, जिसके लिए बजट ही ना चाहिए हो, ऐसे कार्यक्रम हम डिवाइस करें, ऐसे कार्यक्रम की योजना करें। मतलब कोई भी, जैसे अपने कार्यक्रम करना, बच्चों को जन्मदिन, हमारे पास राम बाबू हैं, एक कॉन्सेप्ट हमने बना रहे थे, राम बाबू को ध्यान होगा, मिलेट बर्थडे पार्टी। तो मिलेट बर्थडे पार्टी में क्या है, राम बाबू ने कहा हम जो जो बच्चे खाते हैं ना, उसमें ऐसी बात आई थी, बच्चे जो नूडल खाएंगे वो मिलेट का, जो वो खाएंगे केक खाएंगे वो मिलेट का, जो वो जो है, हाँ नहीं, एक आपने वो जो बनाते हैं जिसके नीचे बेस वो लगता है, क्या होता है वो, पिज़्ज़ा, हाँ पिज़्ज़ा भी वो मिलेट का, वो जो है कुछ पास्ता वास्ता जैसी चीज़ वो भी मिलेट की, तो ये सारा कुछ मिलेट का बन सकता है। तो राम बाबू ने कहा उसमें फिर जो ड्रिंक है, सूप है, इवन चॉकलेट है, कितना कुछ है, सब कुछ में, अच्छा चॉकलेट नहीं होती, वो गुड़ ही होता है, पर बस उसको जस्ट थोड़ा सा वो करने का तरीका है ज़रा। तो ये हम क्या, संजय जी दिल्ली में मिलेट बर्थडे पार्टी, क्या इसको हम किसी तरीके से, आप एक दो जगह एक बार करवा दीजिए जिसका प्रचार हो जाए, हमारे बीच पद्मश्री नेकराम शर्मा जी आए हैं मिलेट के, धन्यवाद जिन्होंने भी इनको मंच पे लाने की चिंता की, उनका धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा विषय है, तो मैं कार्यक्रम में जो मंच पे बैठे हैं वो सब बोल चुके हैं, उनका निचोड़ अलग अलग बातों में आ गया। हम इस मनविता जी को बताना चाहूँगा, और डॉक्टर दधीची जी, महेश दधीच जो हैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और मैं कहूँ बहुत बड़ी ताकत के ये पोस्ट है, ये मैं जानता हूँ, कम से कम हमारे आंदोलन को तो सपोर्ट कई तरह से कर सकते हैं इस पूरे विषय में। तो महेश जी, बस आपके भी जानकारी के लिए, असल में महेश जी से जब तय हुआ था फ़ोन पे कि आप कार्यक्रम में रहेंगे दो दिन, तब वो CEO नहीं थे, जब कार्यक्रम सब कुछ फाइनल हो गया तो उससे दो दिन पहले वो CEO बन गए, और उन्होंने फ़ोन किया, भैया मैं तो कार्यक्रम में आ ही नहीं सकता। हमने कहा क्यों नहीं आ सकते, यार वो CEO बन गया हूँ, अब ये लोकसभा चल रही है, पार्लियामेंट चल रही है, तुमने कहा भाई पार्लियामेंट तो वो हंगामा, आज भी हंगामा हो गया ना, हो गया, ठीक है। तो महेश जी हमारे बीच रहे, तो कम से कम समापन में वो कैसे वो बिल्डअप करनी है, फिर भी सरकार की भूमिका निवेदिता जी रहती है, क्योंकि सरकार अड़ंगे, सॉरी टू से, सरकार कुछ काम ऐसे, जैसे अब गेहूं और चावल वालों को इतनी सब्सिडी दे दोगे तो आप जो मर्जी जाके समझा लो, वो बेचारा मिलेट उगाएगा ही नहीं, तो कहाँ कुछ उसमें डिस्पैरिटीज भी ठीक करनी है। तो आगे के मार्गदर्शन के लिए निवेदिता जी को निवेदन करूँगा, और बाद में समापन के लिए डॉक्टर महेश जी बोलेंगे। नविता जी धन्यवाद, उमेंद्र जी, मंच पे बैठे सारे डिग्निटरीज और हमारे एस्टीम्ड गेस्ट, ये जो दो दिनों का कार्यक्रम हुआ है ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही सुंदर तरीके से इसका विजनिंग करा गया है, स्कूल चिल्ड्रन के साथ एजुकेशन, डॉक्टर्स के साथ सेशंस, किसान चौपाल, और मैं कल तो नहीं लेकिन आज आ पाई, और मैं इतनी एब्जॉर्ब थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसान चौपाल में जाऊं या डॉक्टर्स वाले में जाऊं, और हर जगह जाके मैंने बहुत ध्यान से, जितना मेरे पास समय था मैंने बहुत ध्यान से सुना, और मैं WHH नाम की संस्था के साथ काम करती हूँ, जो कि एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है और 35 कंट्रीज़ में काम करती है, और भारत में हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे काम करते हैं, और उमेंद्र जी के साथ, KVM के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं।
और मैं इस बात के बहुत आभार प्रकट करती हूँ महेंद्र भाई को कि उन्होंने इतने सारे जो जो कि फंक्शनरीज हैं, जो पूरी मिलेट चेन में जो कि जुड़े हुए हैं, उन सबको एक साथ पिरो के रखा हुआ है और सबको एक साथ एक मंच पे लाना बहुत बड़ा काम है। और ये ज़रूर है कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जा रहा है, लेकिन हम सबको मिलके कैसे हम आगे काम कर सकें, हम सरकार के सामने कैसे अपनी अपने जो प्रस्ताव हैं उनको कैसे आगे रखें, हम मार्केट के लिए कंज्यूमर एजुकेशन के लिए क्या काम कर सकते हैं, इसमें हमें आगे बहुत कुछ करना है। ये साल तो एक शुरुआत थी, शुरुआत भी मैं नहीं कहूँगी, डेवलपमेंट सेक्टर बहुत सालों से इस मुद्दे को लेके काम कर रहा है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत सरकार ने इसको एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया है, लेकिन ये जाना नहीं चाहिए, ये एक मोमेंटम है। और मिलेट्स जो पब्लिक हेल्थ, जो इकोलॉजिकल हेल्थ, सॉइल हेल्थ, इन सबको एक साथ, सब चीज़ों को एक साथ लेकर आता है, उस मुद्दे को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और एक जो मेरा जो एक प्रस्ताव था, ख़ास तौर से मंच पे बैठे जो भी डिग्निटरीज हैं जो भारत सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, कि जब हमारे पास मिलेट जैसा सुपर फूड है तो हम क्यों फोर्टिफाइड राइस की बात कर रहे हैं, हम क्यों जीएम राइस की बात कर रहे हैं, हमारे पास इतना बड़ा सुपर फूड है, इतना कुछ हम एक तरफ से इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते हमें, मेरे ख्याल से हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए फोर्टिफाइड राइस की। और वो जो एक एक्सपेरिमेंट है, हम अगर हम मिलेट्स को आगे ले जा सकें, इसको अगर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा बना सकें और हमारे कंज्यूमर्स को इतना अवेयर कर सकें, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट वैल्यू चेन्स बन सकें, तो शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी फोर्टिफाइड राइस की। और मैं ये प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि भारत में हमारे पास इतनी नॉलेज है, आज मैं डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में जो बैठ के सुन रही थी, हमारे किसान चौपाल की बातें सुन रही थी, इतना नॉलेज है आयुर्वेद नेचुरोपैथी विश्व में और कहीं नहीं है। मैं जर्मन्स के साथ बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हूँ और विश्वास मानिए वो मिलेट्स के बारे में जब सुनते हैं उनको लगता है कि कितनी अद्भुत चीज़ है ये, और ये हम चाहें तो इसको एक ग्लोबल एजेंडा बना सकते हैं, इस पर हम मार्गदर्शन कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड का, तो हम क्यों ना पहले सबसे अच्छा अपने देश को एक स्ट्रॉन्ग बनाएं और इस पूरे ज्ञान को हम पूरे विश्व तक लेके जाएं, ताकि ये मिलेट फॉर मिलियंस नहीं, मिलेट फॉर बिलियंस बन के एक मूवमेंट आ गया है। बस इतना ही कहना चाहूँगी, धन्यवाद। प्लांट बोर्ड के सीईओ तो महेश जी, ये पूरी जो चर्चा हुई है आहार से आरोग्य तक चर्चा हुई, खेती वही जो भोजन दे और भोजन वही जो स्वास्थ्य दे, वो खेती खेती नहीं जो भोजन नहीं देती और वो भोजन भोजन नहीं जो स्वास्थ्य नहीं देता, आरोग्य नहीं देता। ये अलग बात है, वो हमारे डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद हमारे बीच नहीं रहे, वो कहते होते थे कि आजकल ज़्यादा जो बीमारियाँ आ रही हैं वो खा खा के बीमारियाँ आ रही हैं, तो ये सारा मामला ही ऐसा उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा। तो उस दृष्टि से मैं महेश जी को कहूँगा, महेश जी कार्यक्रम का हमारे इस समापन भाषण, हमारे लिए आगे का मार्गदर्शन और क्या आहार से आरोग्य और उसमें मिलेट की भूमिका के बारे में, आदरणीय डॉक्टर महेश दधीच, सीईओ नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य प्रायोजक आयोजक खेती विरासत मिशन उमेंद्र जी, इसके साथ में हमारे सभी प्रायोजक SGT यूनिवर्सिटी अफसा और इसके समस्त जो प्रायोजक गण हैं और आप सभी लोग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने दो दिन बड़ा इसके ऊपर विचार किया, मंथन किया और अभी मैं सुन पा रहा था, मुझे इस बात का दुख है कि मैं दो दिन इसके आपके साथ में पूरा सहभागी नहीं हो पाया, मेरी बहुत इच्छा थी इसकी, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हम उसको चाहकर भी नहीं कर पाते। मैंने जब बात की थी डॉक्टर आर्य जी से तो उन्होंने कहा था कि, तो मैंने सहमति दी थी कि मैं ज़रूर आऊँगा, बीच में परिस्थितियां ऐसी आ गई, स्टार क्वेश्चंस लोकसभा के आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं आपका रहना ज़रूरी है, तो उसके बीच में नहीं आ पाया, अभी भी दो तीन मीटिंग थी, फिर मैंने चला के फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी चल रहा है, तो मैं कहा कोई बात नहीं, कम से कम मैं बाकी सब लोगों के दर्शन कर लूँगा, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। और एक इस विषय के ऊपर जो कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर हमारा चल रहा है
और आपने इतना अच्छा प्रयास किया, दिल्ली के हार्ट में राजघाट में जो गांधी जी का दर्शन है उसी स्थान पर आप सभी लोगों ने आपको एकत्रित किया और सब लोगों के साथ में अपनी विचारधारा को साझा किया, तो उसका एक छोटा सा सहभागी मैं भी बनूंगा तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि सत्य के मार्ग के साथ में बहुत सारे लोग चलने वाले नहीं होते, सत्य के मार्ग में चलने वाले 100 में से एक दो ही लोग होते हैं, तो ज़्यादा भीड़ की हमें आवश्यकता नहीं है, और सारी भीड़ हो जाएगी तो भीड़ तो मूर्खों के साथ में ज़्यादा चला करती है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ पर जो लोग अंत तक बैठे रहे हैं वो लोग उसके एक सत्य मार्ग के अनुगामी हैं जिनको आगे चल के समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन करना है, और एक एक व्यक्ति एक एक हजार के बराबर है, ये आप तय मानिए। क्यों भाई उमेंद्र जी जो है हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, अब इसका भी इनका क्या है कि किसान के साथ में ये हो, ये पेस्टिसाइड से बचें, इस खेती के साथ में हम कैसे लोगों को समर्थ बना सकें, कैसे लोगों को हम स्वास्थ्य को ठीक कर सकें, उसके लिए दिन रात ये चिंतित रहते हैं। तो व्यक्तिगत स्वार्थ तो कुछ है नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ तो खाली अपना ही सोचते हैं कि मैं मिलेट खा लेता और आराम से सो जाता। तो ये चिंता ये है समाज की, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो समाज की चिंता के साथ में बैठे हैं, और कितना अच्छा विषय उन्होंने दिया कि क्या हम बर्थडे मना सकते हैं। एक बर्थडे भी मनाएंगे तो एक विचारधारा लोगों के बीच में जाएगी, और विचारधारा जब लोगों के बीच में जाएगी तो उस आहार से उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। और स्वास्थ्य जो है हमारे यहाँ पर तो कहा भी गया, एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। आपका यदि स्वास्थ्य ठीक है तो बाकी सब ठीक है, और स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब आपके पास में आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के पास में बड़े बड़े पैकेज है, कोई 25 लाख का बात कर रहा है, कोई 50 लाख की पैकेज की बात करता है, पता लगा है कि उसके पास में जीवन शैली उसकी ऐसी है कि वो खा पी कुछ नहीं सकता, उसके साथ में वो मीठा भी उसको अलग करना पड़ रहा है, चाय भी वो फीकी ले रहा है, खाना भी उसको सबको अवॉइड करके चल रहा है, तो ऐसे जीवन का भी क्या फ़ायदा। तो इन सब का समाधान हमारे मिलेट्स में, हमारे यहाँ पे तो आयुर्वेद में इसमें बात को लिखा है कि यस्य देशस्य ये जंतु तस्य तद औषधम हितम, यहाँ पर औषधि शब्द का उल्लेख है, परंतु औषधि का मतलब मेडिसिन नहीं है, ये इस बात को हमको समझना है। हमारे आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि औषधि फल पाकांता, जो फल पक जाने के बाद में जो फसल नष्ट हो जाती है वो औषधि कहलाता है। इसलिए हमारे शांति मंत्र में भी इस बात का उल्लेख है, औषधेर शांतो, हमारी औषधि भी शांति हो, सम्यक रूप से यांति यानी जाए। तो हम यदि हमारा क्षेत्र भी इसी तरह का है, जहाँ पर जो चीज़ हो सकती है, जैसे राजस्थान है तो वहाँ पर बाजरा अच्छी तरह हो सकता है, उसमें ज़्यादा उसकी पानी की आवश्यकता नहीं, तो क्यों ज़बरदस्ती वहाँ पर उठा करके हम गेहूँ लगाएं, बाकी चीज़ों को क्यों करें, ज्वार हो सकता है तो क्यों बाकी दूसरे की चीज़ों के लगाएं। तो इन चीज़ों में जैसा कि डॉक्टर अशोक जी ने बताया, एग्रीकल्चर एसजीटी यूनिवर्सिटी में सुन रहा था उनको, तो इनमें रिच कैल्शियम है, रिच मैग्नीशियम है, रिच आयरन है, हमारी समस्या तो सारी इन्हीं की वजह से आ रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस सारा कहाँ से आ रहा है, कैल्शियम नहीं है, खाली बाजरे की एक रोटी खा लेते काम हो जाता है। हमारे यहाँ तो पहले के टाइम पर जब बचपन थे तो हमें अच्छी तरह ध्यान है कि बचपन में होली दिवाली ही गेहूँ बनता था, और तब से पहले बाजरी या ज्वार की रोटी बनती थी, या उसकी राबड़ी बनती थी, ज्वार की राबड़ी बनती थी, लोगों के पास बीमारियां होती ही नहीं थी, डायबिटीज़ के बारे में जानते नहीं है। आज की तारीख में विश्व में सबसे पहले हम प्रायर नंबर पे आ गए हैं, और डायबिटीज़ कंट्री बनने जा रहे हैं, बनी गए बनने के जा रहे हैं और आगे बढ़ जाएंगे, और डायबिटीज़ के साथ में हम ओबेसिटी भी हमारे साथ में फ्री में आ रही है, बहुत सारे ये दो चीज़ें आ रही है, तो इसके साथ में 4 बीमारियां और फ्री में मिल रही है। तो क्यों नहीं हम इन सब चीज़ों के बारे में रहें, और हमारे आहार में कम से कम जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ये खाली 2 दिन का एक कार्यक्रम ही ना हो कि हम इसका एक मंत्र कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया, फोटो खिंचा ली, पेपर में आ गया, ये नहीं है। क्यों नहीं हम हमारी डाइट में इसको शामिल करें, जब आप खुद अपनी डाइट में शामिल करोगे और खुद अपनी डाइट में शामिल करने के बाद में आपको इसका एहसास होगा कि इसका फ़ायदा क्या है। अभी आपका सर्दी का समय चल रहा है, बाजरा गर्म होता है, विशेषकर सर्दियों में खाना चाहिए, गर्मियों में इसको अवॉइड करना चाहिए, गर्मी में खाओ तो ज्वार खा सकते हो, ऋतु के अनुसार हमारे सब कुछ चीज़ें हैं कि कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए। हमारे हित बुक, मित बुक और ऋत बुक, 3 प्रकार की चीज़ें आयुर्वेद में कही गई है, हितकारी खाना खाइए, मित भूख, आप जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाइए। आप ये तय मान के चलिए संसार में कभी भी कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है, स्टारवेशन से मरा हो तो बता दीजिए। आप में से भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, जैन साधु संन्यासियों में संथारा की एक विधि होती है, परंपरा होती है, जो स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग करते हैं और लगभग 1 महीने के करीब जिंदा रहते हैं, वो बिना अन्न का खाए, भूखे रह करके कोई नहीं मरता, हाँ खा करके मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो खाली हम इस चीज़ का हम खाएं या भूखे रह लें तो एक रोटी, हमारा आयुर्वेद कहता है त्रिविध कुक्षी अध्याय हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि आपका आमाशय के 3 पार्ट कर लीजिए, और 3 पार्ट में एक पार्ट में सॉलिड रखिए, एक पार्ट में लिक्विड रखिए, और एक पार्ट आपका खाली रहना चाहिए। तो हम यदि कम खाएं,
हितकारी खाएं, हितकारी का मतलब यही है। ये सारी चीजें पुराने शास्त्रों में उठा करके आप देखो तो गेहूं का कोई शास्त्रीय उल्लेख नहीं मिलता। प्राचीन आप ऋग्वेद की संहिता में देखिए, संहिता ग्रंथों में चल रही है, नहीं है। वहां पर जौ मिलेंगे, चावल मिलेंगे, पर तो गेहूं का उल्लेख नहीं है, बहुत कम उल्लेख है। बाजरे के बारे में मिलेंगे, हमारे प्राचीन परंपरा के जो गीत चल रहे हैं उसमें बाजरी का भी मिलेगा, बाकी सब चीजें मिलेगा, ये रागी मिलेंगे, मड़ुआ के नाम से मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेगी आपको, परंतु ये नहीं मिलेगा कि गेहूं के रूप में। परंतु आज की तारीख में हम देखें तो एक एग्रीकल्चर के साथ में एक हरित क्रांति के नाम से हमने उसको आगे बढ़ा दिया, और क्रांति भी क्या थी, ये हम रोगों की क्रांति भी इसके साथ में लेके आए हैं, इस बात को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी हम सब चीज़ों के साथ में हम थोड़ा सा भी समझ जाएं, और हमारे टाइम में हम चलो दो टाइम नहीं कर सकते, तो एक टाइम हम यदि हमारे इस चीज़ों को खा लें, और विशेषकर मैं कहता हूँ सर्दी के समय, अभी आप एक बाजरे की रोटी खाइए और उसमें आप अपना गुड़ डालिए और उसके ऊपर घी डाल के एक रोटी खा लीजिए। मैं कह रहा हूँ डायबिटीज़ वालों को भी डायबिटीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें हैं को उसको न्यूट्रलाइज करेगी। तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारे खाने में आज के तारीख में हमारे पास में देखो ग्रेन्स, मल्टी ग्रेन्स आ रहे हैं। तो मल्टी ग्रेन में क्या है, यही चीज़ें, उसमें जौ भी आ रहा है, उसमें ज्वार भी आ रहा है, उसमें बाजरा भी आ रहा है, उसमें थोड़ा सा चने भी डाल देते हैं, कुछ मक्के भी डाल देते हैं, कुछ सोयाबीन भी डाल देते हैं, इस तरह से हम चीज़ें लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिंगल कोई भी चीज़ जब कंटिन्यू चलती है तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। मैं आपको कहूँ खाली मीठा ही मीठा खाते रहे अपने बॉडी में तो कितने टाइम खाएंगे, एक टाइम मीठा खा लेंगे, दूसरी टाइम आपकी नमकीन की इच्छा होगी, तीसरी टाइम आपकी किसी और चीज़ की इच्छा होगी। ऐसे ही हमारा बॉडी जो है, ये बॉडी भी इसी बात को चाहता है कि इसमें हर चीज़ की वैरायटी हो और वो चेंज हो, और चेंज की रिक्वायरमेंट का मतलब यही है कि हमारी बॉडी में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनकी डिमांड ऑटोमेटिक होती है। इसी तरह से हमारे खेत है, उन खेतों में भी जो पहले कृषि करते थे वो एक चीज़ को नहीं लगाते थे, एक इस बार आपने बाजरा लगा दिया तो अगली बार वो ज्वार लगाएंगे, तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है, जमीन का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, इसी तरह से हमारा शरीर का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये बहुत अच्छा विषय आप लोगों ने रखा और मुझे भी अपने बोलने का अवसर प्रदान किया, चूँकि मैं एक नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से अभी जुड़ा हूँ, रिसेंटली 4-5 दिन ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं है, फिर भी मुझे ये ज़रूर पता है कि इसका जो लास्ट स्टेक होल्डर है वो एक फार्मर है, किसान है, और किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, और किसान को जब अंतिम छोर तक के व्यक्ति को जब तक कोई भी चीज़ के बारे में समझ नहीं होगी, जब तक न तो इस देश का भला हो सकता है और न किसी वो किसी ग्लोबल रूप में किसी का बेनिफिट मिल सकता है। तो हमारे किसान को ये समझना चाहिए, और बहुत सारे हमारे हरियाणा के किसान भी, उन्होंने बताया था, मैं चूँकि भी हरियाणा से ही आया हूँ, तो बहुत अच्छा ये सब चीज़ें हैं कि हम इन चीज़ को थोड़ा सा पालन करें, तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, हम लोगों को स्वास्थ्य भी देने में समर्थ हो पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट के बारे में मैं भी अभी समझ ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमारी इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं मेडिसिनल प्लांट के बारे में, आप उसकी वेबसाइट में, NMPB की वेबसाइट में भी जाकर के देख सकते हो, तो उसमें नर्सरी की योजनाएं भी है, तो आप वो भी ले सकते हो। गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर देती है, NGOs को भी देती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी देते हैं, तो हम मिलेट्स के साथ में हम उन चीज़ों को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सब अलग अलग नहीं है, ये आपस में जुड़ी हुई है, और सबका उद्देश्य एक ही है कि हम लोगों को स्वास्थ्य को रख पाएँ और स्वास्थ्य को ठीक कर पाएँ। आप सभी लोगों ने बड़े धैर्य से सुना और मुझे इसमें आने का अवसर मिला, आप सब लोगों को दर्शन करने का अवसर भी मिला, आप सब लोगों की बातें भी मुझे सुनने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों का जिक्र करना चाहूँगा, अरे वाह अवधेश जी आगे तो आ जाओ कम से कम, हमारे बीच अब समाप्ति पे कुछ महापुरुषों के अवतरण होते हैं, हमारे आइए डॉक्टर अवधेश पांडे, कोई नहीं डॉक्टर अवधेश पांडे हैं हमारे बीच। अवधेश पांडे जी MBBS और MD हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन के, और हमारा जो आंदोलन है उसमें एक बड़ी सिद्ध हस्ती हैं। तो ये डॉक्टर साहब, ये बस समापन वाला ही चल रहा है, आप समापन से पहले पहले आ गए, कल थे आप काफ़ी समय हमारे साथ थे, आज दिन में भी डॉक्टर साहब आ पाए थे, पूरा टाइम था, अरे वाह ठीक है। अच्छा ये डॉक्टरों का संवाद आपने ऐसा रचाया, आप लोगों को भूख ही नहीं लगी, कहते वो भोजन वाले बेचारे मैसेज भेज के कि वो है, तो ये 4 बजे ख़त्म किया इन्होंने, मतलब अभी भी चल सकता था, ठीक है। चलिए तो मैं कुछ उन लोगों के नाम लेना चाहता हूँ जिनके बिना ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था, सफल होना तो बाद की बात है।
तो मैं नाम लूंगा हमारी बहन सरबजीत कौर। सरबजीत कौर एक बार यहाँ तक आ जाओ जरा एक बार। सरबजीत कौर उम्र में तो मेरे से शायद 6 महीने छोटी हैं, पर मैं इनको माता जी कहता हूँ। और ये मिलट माता है, मिलट का यहाँ जो भी भोजन अंदर बना, जो भी मिलट का भोजन बना, हलवा बना, खीर बनी, ऊपर आ जाओ ना, हाँ आओ, हलवा बना, खीर बनी, चावल बने, पुलाव बना, सूप बना, रोटी बनी, और कुछ भी बना था इसके अलावा, हलवा तो बोल दिया, हैं हाँ, मिलट के पराठे वराठे, तो ये सब जो हैं सरबजीत कौर जी ने बनवाए, मतलब इनके मार्गदर्शन में बने। और अब दिल्ली वालों के लिए ये है कि हम सरबजीत कौर जी को बार बार भेजने का कष्ट कर सकते हैं इस उम्र में भी, पर आप उनकी से वो जो मिलट माता हैं, हमारी प्रार्थना ये है, ये मैं निविता जी को कहना चाहूँगा, क्या मिलट माता कार्यक्रम कोई बन सकता है क्या, जिसमें एक मोहल्ले की या एक एरिए की 10-15-20 माताएं, बस इससे ज़्यादा नहीं, 15, उनको जो है ट्रेनिंग देनी, 2-3 दिन ये रहेंगी, ट्रेनिंग देंगी कि नाश्ते में ये बन सकता है, डिनर में ये बन सकता है, सूप ऐसा बन सकता है, मीठा ये बन, क्योंकि बनाना ही सबसे बड़ा चक्कर होता है, उसी वो नहीं बनता तो वो लोग, मेरे साथ शुरू शुरू में हुआ, लोग हमारा भाषण सुन से पैकेट लेके जाते थे, 3 दिन बाद आते थे, भाई साहब पैसे मत देना हमको वापस, पर ये मिलट वापस रख लो, क्यों, कहते तो मेरी बीवी ने बनाए वो बने नहीं, और वो कहती क्या ले आया, पंगा होगा, तो भैया घर में झगड़ा हो रहा है, आप ले जाओ, मैं कह दूंगा कि उसने पैसे दे दिए, तो ये है, तो सरबजीत जी वो काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी, आपको प्रणाम। ऐसे ही एक और नाम भी है, पर वो इस समय यहाँ नहीं है, वो क्लास चला रही है अभी, संदीप कौर, वो वहाँ, वो भी ऐसा ही है कि उन लोगों को कहा कि यार बंद कर दो, बंद कर दो, वो बंद ही नहीं हो रहा था, अभी भी चल रहा, पर कब तक चलेगा पता नहीं, जबकि उनकी मीटिंग फॉर्मली अब तब ख़त्म हो जानी चाहिए थी, पर लोग उनको नहीं छोड़ते, वो लोगों को नहीं छोड़ते, और वो कुकिंग सिखा रही हैं, तो ये एक बड़ी बात है। मैं फिर ये भी कहूँगा, ये हमारे संजय स्वामी जी तो सूत्रधार बने ही बने, संजय जी शायद कहीं बाहर, अब वहाँ क्यों चले गए, इधर ही आओ ना, संजय जी ना होते तो ये कार्यक्रम होता ही ना, ये मुझे ना बुलाते वहाँ तो कार्यक्रम होना नहीं था, तो ये संजय जी का भी वो है। फिर जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बड़ी मेहनत की, SGT यूनिवर्सिटी के कई लोग हैं, होटल मैनेजमेंट के भी लोग हैं, लेकिन दो लोग जो बिल्कुल एक पाँव पे खड़े रहे कोऑर्डिनेशन में, जिनको मैं तंग करता रहा, सुबह 8-9 बजे आ जाना, शाम को 8-9 बजे जाना, तो कौशल जी जो स्टेट ऑफिसर हैं SGT यूनिवर्सिटी के, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी। और कौशल जी हैं यहाँ, जरा मंच पे आके थोड़ी फोटो भी आ जाती है ना इससे, कि कम से कम कौशल जी कौन है मालूम होना चाहिए। और भारत भूषण जी प्लानिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं। भारत भूषण जी एक बार ऊपर ही आ जाओ जरा, हाँ एक बार बीच में जाओ, थोड़ा सा लोगों के सामने फोटो ठीक हो जाएगी, हाँ आइए आइए। SGT यूनिवर्सिटी के ये दो लोग जिनको हमने बार बार तंग किया, कोई काम नहीं करता था तो हमें कहते थे भाई साहब देखो गड़बड़ हो रही है थोड़ा संभालो, तो ये संभालते थे, बहुत बहुत दोनों का धन्यवाद। फिर है मेरे भाई कमलजीत जी, कमलजीत आओ जरा। कमलजीत किसान संचार नाम की एक कंपनी चलाते हैं वैसे तो, और ये फेसबुक पे बहुत जो लोकप्रिय लोग हैं, जो बड़ी मार्के की बात, मार्मिक बात, चुटीली सटीक कहते हैं, और जो हरियाणवी तरीका है ना जी, कि थोड़ी चुपती हुई चकोटी काट देनी और उसमें भी बड़ी बात कन्वे कर देनी, तो ये इनको भाषा पर वो बर्दस्त है, तो इन्होंने लोग जुटाए, लोगों को संदेश लगाया, फेसबुक पे लगातार ये चीज़ें डाल रहे हैं। कमलजीत जी इस पूरे आयोजन के एक बड़े स्तंभ हैं, आगे जो आंदोलन चलेगा उसके और बड़े स्तंभ बनेंगे ऐसे, कि ये बहुत बहुत धन्यवाद कमलजीत। राकेश जैन जी हमारे साथी हैं, राकेश जी आ जाओ, थोड़ा पता तो लगे, राकेश जी ऐसे हैं जैसे सुनील जी ने कहा व्यवसायी हैं, व्यवसायी अपनी जगह, लेकिन ये
स्वास्थ्य वाले पूरे विषय के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और लुधियाना से हैं। और मैं ये कहूँगा बताने के लिए जो मंच बैठे ये दधीची जी और निविता जी को, ये ज़ीरो कैल्शियम वो जो हार्ट के अंदर क्या कहते हैं जीरो कोरोनरी कैल्शियम स्कोर मैंने अपनी एंजियोग्राफी करा के प्रूव कराया सारे कार्डियोलॉजिस्ट को, ये जी ये उसके उसके विशेषज्ञ हैं। तो ये आए, दो दिन समय निकाला। राकेश जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसके साथ ही मैं पति पत्नी रचना हितेंद्र दोनों को बुलाना चाहूँगा। आइए, देखिए आपने बहुत पत्नियां देखी होंगी जो अपने पति को ठीक करती हैं, ठीक रखती हैं। तो ठीक रखने का सारी करती हैं नहीं, इसने वाकई ठीक रखा है। जरा इधर बीच में आओ दोनों जरा। हाँ, तो रचना ने जो ये हितेंद्र जी को, ये निविता जी, हितेंद्र को डायबिटीज थी, इनको ब्लड प्रेशर था, इनको और क्या था, थायराइड था, दो चार और चीज़ें भी थी, वो छोड़ दीजिए, वो सभी चीज़ों से इनको रोग मुक्त कर दिया पूरी तरह अपने पति को, और मिलेट खिलाए और घोर अनुशासन। और ये हमारी जो बहन है ना रचना, पंजाबी पंजाबी कुड़ी है, बड़ी डाडी है, बड़ी सख्त है, तो मतलब मुझे भी डांट देती है भाई साहब ऐसा, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा मैं ऊपर हूँ इससे फिर भी। तो ये रचना ऐसे लोग जो हैं जिन, हाँ जी हाँ, इनका सेशन का पति को साथ ले जाना चाहिए ना इनको। हाँ बिल्कुल, एग्जांपल खड़ा करके कि हो इस बंदे को ठीक किया सभी, कौन कौन पत्नी अपने पति को ठीक रखना चाहेगी ये पूछने के लिए। ऐसा बहुत बहुत दोनों का धन्यवाद, ये दोनों ना आते एक रौनक ना लगती, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मेरठ से हैं जी, मेरठ में प्रैक्टिस करते हैं। और मैं ये चाहूँगा रचना जी, हम कुछ ऐसा अपना निविता जी कुछ, ये जो मिलट माता वाला कॉन्सेप्ट है ना, हम इसको थोड़ा करें कि ये है ग्रास रूट के। IIMR तो आपको कुछ और ही, देखिए IIMR ने भी कार्यक्रम किया था, कहाँ है जगतार धालीवाल, धालीवाल जी कहाँ गए, अरे भुला भाई धालीवाल, ऐसा थोड़ा गैप हो सकता। तो अभी IIMR में प्रोग्राम था ना फाइव स्टार होटल में, वो मिलट हब, पिछले साल भी मैं गया था, इस साल तो मैं नहीं गया, इन लोगों को भेजा, सरबजीत जी गए थे ना, हाँ सरबजीत जी भी गए थे वहाँ, मिलट का कुछ नहीं था, वो दाल चावल खिलाया, पनीर खिलाया, मैदा खिलाया, सब यही खिलाया उन्होंने। कार्यक्रम का नाम वो नेशनल लेवल का मिलेट प्रोग्राम है। तो उससे तो ये लाख गुना अच्छे हैं ये लोग, ये तो इतनी सख्ती से रचना जैसे लोग कितने प्रकार की चीज़ों को करते हैं तैयार। तो मुझे लगता है असली विज्ञानी ये हैं मिलेट के, तो इसको नीचे तक लेके जाना है, हमें एक विशेष प्रोग्राम इनके लिए डिवाइस करना पड़ेगा थोड़ा अलग तरह से, मिलेट माता अभियान उसमें। फिर हमारे साथी मनवीर रेड्डू जी, मनवीर जी आइए। मनवीर रेड्डू आप तो शायद नविता जी परिचय होगा आपका इनसे, दीदी जी आपका नहीं है ना परिचय, ये हरियाणा के जींद से हैं। हाँ ये कीटाचारे हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, कीड़े को मारने के लिए पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत है। कीड़े को मारने के लिए कोई स्प्रे विप्रे नहीं करवानी, बस कीड़े को समझ लो, उस कीड़े का जीवन चक्र क्या है और वो उसका उसको खाने वाला कीड़ा कौन सा है, बस उसकी व्यवस्था कर दो, कीड़ा आएगा कीड़े को खा जाएगा, कहानी खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद मनवीर जी। फिर मैं खेती विरासत मिशन की पूरी टीम है, मेरे मित्र एक बार वो सारे ही आ जाए जरा बारी बारी से, जो जो भी हैं, सर मैं नाम भूल लूंगा सबको ले आओ जरा। ये अच्छा एक मिनट उससे पहले एक नाम मेरे से गलती से छूट गया, संजय सुबत जी, संजय जी आइए जरा, लिखा हुआ था गलती से क्षमा चाहूंगा, संजय जी आइए। संजय जी RRN नेटवर्क रेनफेड एग्रीकल्चर रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क, थोड़ा बीच में आइए, आप बंगाल से हैं, अब झारखंड में रहते हैं और RRN नेटवर्क के प्रमुख हैं, मिलेट के पूरे काम के तकनीकी जो महार हैं उनमें से एक हैं, हमें इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है।
आप दो दिन हमारे साथ रहे और आपके लाभ का, अनुभव का, ज्ञान का हमें लाभ हुआ। संजय जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आगे की यात्रा में भी जो आगे इसका फॉलोअप लेना है, और खाली फॉलोअप नहीं, आगे की यात्रा ही है ये, बिल्कुल ठीक है ना, विद द वे फॉरवर्ड, उसमें भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा ये उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा खेती विरासत मिशन की टीम, गुरप्रीत सिंह, जो जो लोग दिख रहे हैं, मन्ना है, जशन है, सौरभ है, अमित है कहीं, लाइए सब तमाम लोग आ जाओ जरा, और जिनके नाम मुझे याद नहीं है ना, गड़बड़ कर जाता हूं मैं, आइए चलते जाओ सामने, पीछे चलते जाओ, ठीक है। ये खेती विरासत मिशन की वो सेना है, पैदल फौज, जो गांव में काम, कौन रह गया वहां, गुरनाम आओ भाई, हाँ सौरभ कहाँ है, अरे बुलाओ उसको जरा, हमारी बच्चियां भी नहीं आई दोनों, आ जाओ तुम, आ जाओ पहले, और कौन रह गया, नहीं मैं तो हूँ इनकी टीम का हिस्सा, इन्हीं के टीम में हूँ। सरबजीत जी आप ही आ जाओ एक बार जरा दोबारा से, पहले इंडिविजुअल थे अब केवीएम टीम के नाते, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। पर्दे के सामने तो बहुत लोग रहते हैं, मंच पे बहुत लोग रहते हैं, पर ये टीम जो है जो नीचे से आसमान में उड़ते हुए जहाज को संभालती है, तो ये हमारे आ जाओ, ये सारी टीम जो लगातार कई हफ्तों से काम कर रही थी और यहाँ रात दिन मेहनत करके इस इतने बड़े आयोजन को सफल बनाया है, सबके लिए जोरदार तालियां। अच्छा इनकी भी स्टोरी है, मतलब कुछ लोगों को क्या है कि अब यहाँ कमरे हमको कम मिले, उम्मीद थी तो इनकी व्यवस्था में भी रही, थोड़ी हमारी भी गलती रही, कुछ हो गया कमरे कम मिले, तो हमने एक एक कमरे में तीन तीन चार चार डाले, पांच पांच डाल दिए उस समय, तो वो शादी वाला माहौल हो रहा था। कल जैसे था एक कमरे में छः लोग दरी वरी दिखा के गद्दा वद्दा लगा के बैठे हुए हैं, मैं कहा सो जाओ यार, नहीं जी तो शादी जैसा माहौल है क्या सोना वाला, तो लोग गपशप मार रहे हैं कर रहे हैं ऐसा, तो पूरा एक, और ये कुछ लोग शायद इस रात में मैं कह सकता हूँ हमारा सौरभ है, कुछ लोग हैं बहुत कम जिनको सोने को मिला, बहुत कम सोए, उन तमाम लोगों का धन्यवाद। श्रीमती अनीता आर्य जी आए हैं जो प्रधानाचार्य हैं SD पब्लिक स्कूल, आइए जरा अनीता जी एक मिनट आइए, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। तो मुझे लगता है कि मित्रों ये पूरा जो कार्यक्रम है ये एक संवेदना से निकला, उस संवेदना से निकला है, ये मेरा देश है, इस देश के लोग मेरे भाई बहन हैं, मैं ही उनका अंग हूं, इस देश के साथ एक अंगांगी भाव, मैं अपने परिवार का अंग हूं, परिवार इस समाज का अंग है, तो हम ये व्यापक जो एक अंगांगी भाव है इस देश के लोगों के लिए, ये उसमें से एक देश प्रेम की भावना से ही निकला हुआ विचार है। इसमें मार्केट बाजार नहीं है, ये जो हम जो काम कर रहे हैं हमारे लिए वही देशभक्ति है, वही राष्ट्रभक्ति है, ये जो हमारे इस देश के 140 करोड़ लोग हैं और वो निरोग रहें, ये विचार ही अपने आप में वो है। हम वंदे मातरम गाते हैं तो वंदे मातरम कोई अमूर्त चीज नहीं है, उसको मूर्त रूप देना वही हमारा संकल्प है। इसमें अनेक, इस यात्रा में अनेक सहयोगी हैं, ऐसे ऐसे सहयोगी हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं, मतलब द्विजी गुरु बैठे हैं। मैं दोबारा से बता दूं भाई, आदमी अमेरिका में जाके PhD करे वैसे हवा में उड़ने लगता है, अमेरिका में PhD की जाके फिजिक्स में और जमीन पे चले गए कि मैं ग्राम स्वराज्य के लिए काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा जिससे किसान का, देश के लोगों का भला हो, मैं उनको ताकतवर करूंगा। राम बाबू, अब राम बाबू जो है हमारे
निवेता जी राम बाबू तो हैं, ये आपके बगल में बैठे हैं, इनको हम मिलट महाराज कहते हैं, ये शेफ नहीं कहलाते, इनको शेफ करो कहो तो ये नाराज हो जाते हैं। ये कहते हैं शेफ जो है वो जीभ के स्वाद के लिए भोजन बनाता है। मैं महाराज हूं, मैं आयु बल बुद्धि वीर्य ओज तेज व्यक्ति के निरोग रहने के लिए भोजन बनाता हूं, ये मेडिटेशन करते हैं। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें हैं जिनके ये लोग आए। हमारे गोपाल भाई साहब आए, गोपाल मोहन उपाध्याय जी लखनऊ से, और वहाँ एक जो है संस्थान चलता है जो अक्षय कृषि परिवार से, आपके लोक भारती, लोक भारती वहाँ लखनऊ में संस्थान चलता है जो प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा अभियान, ये जो गंगा या क्या उसका नाम पूरा नमामि गंगे, नमामि गंगे की पूरी परियोजना में जो जैविक खेती करवा रहे हैं उसके बड़े मूर्धन्य व्यक्ति हैं। तो अब लखनऊ से विशेष रूप से आए, आपका मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा। हमारे बीच पद्मश्री नेक राम शर्मा जी हैं, मंडी जिला मंडी और हिमाचल प्रदेश से, ढेर सारी वैरायटीज इन्होंने संरक्षित की हुई है मिलेट्स की। तो ये हमारे वो विज्ञानी हैं, ये वो गुरु हैं जिनके कारण ये आंदोलन सही दिशा में चल रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं अंत में समाप्त करूं से पहले दो नाम और लेना चाहूंगा, मेरे भाई, हाँ अच्छा उनके बारे में तो नरेश सिरोही को बताना पड़ेगा क्योंकि मेरा परिचय है उनसे। तो नरेश सिरोही जी का मैं नाम लेता हूँ, नरेश सिरोही जी मेरे साथी, आइए नरेश जी और जरा उनका जरा परिचय कराइए हमारे साइकिल मैन ऑफ इंडिया का। अब आपके पास क्या कमल कराएगा, कमल जी तुम कराओगे क्या कराएंगे? नीरज का परिचय। तो नरेश सिरोही जी मेरे पुराने साथी, जब जब जरूरत पड़ती थी तब साथ है, आज भी साथ खड़े हैं, नरेश जी का भी आभार। और इससे पहले कमल जी कराए, मैं एक नाम अपने से ले दूं, संजीव शर्मा ग्रेटर नोएडा से हमारे साथी हैं, आजो ये वैसे MSc एग्रीकल्चर है और खेती विरासत मिशन का वैज्ञानिक सलाहकार है, ये बायो इनपुट्स बनाते हैं। और संजीव जी का भी बहुत बहुत आभार, परिवार समेत दो दिन हमारे साथ रहे। अब मैं कमलजीत को निवेदन करूंगा कि कमलजीत जी भाई नीरज का परिचय करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मुझे भी भागना, मेरी 7:15 की ट्रेन है, लेकिन मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता। ये नीरज भाई गोहाना के रहने वाले हैं और इन्होंने जो बहुत बड़ा काम किया है जो शायद कभी भी नहीं किया किसी ने, भारत के जितने भी एग्रीकल्चर के संस्थान हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, वो सब आइसोलेशन में काम करते हैं। मैं खुद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और 20-25 साल से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि जो बगल बगल में भी संस्थान बने हुए हैं उनके बीच में बहुत बड़ी बड़ी दूरियाँ हैं। नीरज का एग्रीकल्चर से कोई सीधा लेना देना था नहीं, इसके घर में भी खेती नहीं थी और इसने एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी नहीं की, तो रोबोटिक्स का बंदा था, लेकिन ये किसी एक्सपोर्ट हाउस में काम करता था। तो वहाँ पे कोई साथी इसके पास आया, उसने कहा यार मेरी टिकट बुक कर दो। तो उसने पूछा कहाँ जाना है, तो बोला मेरी कैंसर ट्रेन की टिकट बुक कर दो। तो इसको पता नहीं था कैंसर ट्रेन क्या होती है, तो वहाँ से इसके दिमाग में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चली और चलते चलते इसने फिर वो जॉब छोड़ी और वहाँ से इसने पहले किसानों के पास साइकिल लेके पहुँचना शुरू किया। जब ये किसानों के पास पहुँचा तो पता लगा कि छोटी छोटी समस्याएँ हैं, उनके समाधान नहीं मिलते, उनके समाधान पूछने ये ICR पहुंच गया। और सीधा जब ये ICR में पहुंचा, बड़े बड़े लोगों से मिला, उन्होंने देखा यार एक लड़का साइकिल पे आता है गोहाना से, तो उन लोगों ने भी इंटरेस्ट लिया। तो अब इसने फिर तुरंत एक वो बनाया मिशन कि मैं 1,11,111 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करूँगा, सारे जो देश के एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशन उनको जोड़ूंगा। फेसबुक को ये यूज़ करते हैं, जहाँ भी जाते हैं तमाम लोगों को उसमें टैग करते हैं, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं, एक दूसरे के काम के बारे में बताते हैं, और बहुत बड़ी एक केमिस्ट्री इन्होंने बना दी है। और मिलेट्स के लिए अब ये 1 दिसंबर को ये चले थे कश्मीर लाल चौक से और कन्याकुमारी ये पहुँच रहे हैं। तमाम ICR का प्रोटोकॉल इनके साथ है, FAO का प्रोटोकॉल इनके साथ है। तो बाकी अपने एक्सपीरियंस मिलेट्स बताएंगे। नमस्ते, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्ते मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी और समस्त भारतवासियों,
मैं अपनी इस यात्रा को बताना चाहूँ, उससे पहले मैं बताता हूँ, अभी मेरी जो उमेंद्र जज जी गुरु जी से बात हो रही थी, तो 2018 में जब ये यात्रा चालू की थी उस समय मैं आपके ऑफिस में आया था गुरप्रीत जी और जगता जी से, अगर जो उनको याद हो 2018 में मैं आपके ऑफिस में आया था उस समय। फिर इसको मोटिवेशन करते करते हमने जैविक खेती के हम लोग ये यात्रा कर रहे थे 111,111 किलोमीटर की। और अभी हम लोग मिलेट की चर्चा करें तो मैं मिलेट के ऊपर ज़्यादा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हम लोग पूरे भारतवर्ष की ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर हमने 50,000 से किलोमीटर से ज़्यादा कर चुके हैं। और अभी पूरे इंडिया में द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया और द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी एज ए एम्बेसडर के तौर पर प्रमोशन के लिए भी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए यात्राएँ करता रहता हूँ। और अभी हम लोग 1 दिसंबर से करीबन 23 सितंबर को निफ्टम सोनीपत में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 20 देशों के 120 प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो एफएओ के द्वारा और सभी हम लोग उसमें, जब मेरे को अचानक में कंक्लूड करने का टाइम आया तो जब हम अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे तो मुझसे निफ्टम के डायरेक्टर डॉक्टर हरिंदर ओबेरॉय सर ने पूछा कि नीरज जी, आप लोग जब सब प्रयास कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को पिछले कई सालों से, तो आप मिलेट्स के लिए क्या करना चाहते हैं अपनी साइकिल से। अचानक था, अचानक मुझसे बोला कि आने वाली 1 दिसंबर को कश्मीर से कन्याकुमारी की हम यात्रा करेंगे। मैं 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे लाल चौक श्रीनगर से चला हुआ हूँ और उस समय -3 डिग्री टेम्परेचर था बर्फ में। चाहे बारामूला हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे आपके काजीकुंड की गुफा हो, वो मैं करता हुआ अभी मैं कल यहाँ पहुँचा था और कल शाम को भी मंत्रालय में, फिर आज सुबह से मंत्रालय में और जो भी हमारे किसान भाई उनसे मिलना, और मुझे उमेंद्र जीत जी के द्वारा भी पर्सनली मैसेज भी मिला था और कमल जी जी के द्वारा भी इसमें आना, तो मैं ज़रूर मैं चाहता था आप लोग से मिलना। और ये जो मिलेट यात्रा है इसके लिए हम लोग बताना चाहते हैं, इस यात्रा को एफएओ के द्वारा रोम से अभी 13 तारीख को जो मैं यात्रा के लिए सुबह सुबह तैयार हो रहा था, सुबह मैं अचानक मेल देखा तो मुझे हम जो हमारी इस यात्रा को सबको यूएन के द्वारा भी इसको अप्रिशिएशन मिला, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और ये एक हम लोग अभी इसको कोशिश भी कर रहे हैं, इसको अभी 31 जनवरी को हम लोग कन्याकुमारी कंक्लूड करेंगे और हम लोग कोशिश करें कि अगर सरकार से हमें सपोर्ट मिलता है तो हम रात ही रात इसको इटली भी पहुंचा के जब सुबह दरवाज़ा खुलेगा रोम में एफएओ के, तो ये यात्रा वहां पहुंची हुई मिलेगी। तो हम लोग का ये एक अनोखा प्रयास। इसके साथ ही आज का हम कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। जुड़े रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बाहर क्या है, अंदर है? अच्छा, काढ़ा है अंदर, काढ़ा है मिलेट का, मिलेट का नहीं है, कुछ काढ़ा वाड़ा है, चलो कुछ मिलेट का तो होगा, जड़ी बूटियों का है, तो जड़ी बूटियों का काढ़ा पीजिए। उसके बाद जिनको राम बाबू को सुनने की इच्छा है, राम बाबू के साथ संवाद स्वास्थ्य का बाद में करेंगे, पहले पियेंगे काढ़ा। बहुत बहुत